नमस्कार दीपा अमीन फूड एंड लाइफ में आपका स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ फिश चिल्ली। तो फिश चिल्ली के लिए ये फिश है, पॉपलेट है, कौन सा भी आप ले सकते हो, लेकिन काटा निकाल के लेना चाहिए। इसीलिए मैं पॉपलेट लिया, सुरमई इजी है, सुरमई पॉपलेट इजी होता है काटा निकालने में। फिर ये है मैदा और लहसुन है। ये चिल्ली मसाला है, कोई भी ले लो, पनीर चिल्ली जो भी है वो ले लो चलेगा। ये अदरक है, ये थोड़ा कॉर्नफ्लोर है, ये हरी मिर्च है और थोड़ा स्प्रिंग ऑनियन है और नमक और थोड़ा सा विनीगर और सोया सॉस। अभी मैं सब रेडी करके आपको बताती हूँ। आप फिश को देखिए, आप कैसा करने का, कटिंग करने का ऐसा, फिर सिर को अलग कर देने का, और ये काटा है ना बीच में, देखिए इसको ऐसा बीच में से काटा के ऊपर से ऐसा कट करके ले लेने का, काटा नहीं डालने का, ध्यान रखने का। ये देखिए है ना, काटा इधर रह गया, फिश वो विदाउट काटा मेरे हाथ में आ गया फिश। हाँ तो ये साइड में और ये साइड में कट करने का, क्योंकि इधर भी काटा रहता है, तो इसीलिए अभी इसको हम चिल्ली के लिए ऐसा कटिंग करते, कट करके आपको दिखाती हूँ मैं। आपने तो देख लिया मैंने कैसा निकाला। अभी हम फिश का चिल्ली फिश के लिए अभी हम देख घोल बनाते हैं। हाँ ये मैदा है, 2 चम्मच मैदा लो, फिर कॉर्नफ्लोर लो। कॉर्नफ्लोर थोड़ा कड़क होने के लिए लगता है, तो आधा चम्मच से भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लोर लो। फिर उसके अंदर डालो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। फिर हम डालेंगे इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक। नॉनवेज को थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगता है। अभी घर में मेहमान आया, फिश का क्या बनाए, तो ये भी बना सकते हैं, इजी है। ये देखिए सोया सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, इजी है, इतनी तकलीफ नहीं है बनाने की, खाने को भी अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा विनीगर, और थोड़ा सा पानी डालने का, इसमें ज़्यादा नहीं, घोल बनाने का इसको हमको थोड़ा सा, थोड़ा गाढ़ा घोल ज़्यादा, देखिए पानी संभाल के डालने का, बहुत पतला नहीं करो आप इसको, नहीं तो मच्छी को छोड़ देगा वो। ये अपना घोल रेडी हो गया। अभी हम इसके अंदर डालेंगे ये मच्छी के पीस किए हुए, देखिए ऐसे पीस करने के, काटा निकाल के, हाँ वो आप ध्यान रखने का, बस संभाल के निकालने का, निकल जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब घोल में मैंने फिश डाल दिया। अभी हम इसको करेंगे फ्राई। अभी अपना तेल गरम हो गया, अभी ये ऐसे फिश इसमें छोड़ देने के, देखिए क्योंकि अपन सब खाते हैं ऐसा चिल्ली, चिकन चिल्ली ज़्यादा बनाते हैं, बट फिश चिल्ली भी एक बार बना के देख लेने का अच्छा लगता है बहुत। ये अपना फिश फ्राई हो गया। हाँ मस्त देखा ना, अच्छे से फ्राई करने का, कम से कम 5-6 मिनट तो फ्राई करने का। अभी ये जो तेल है ना,
अभी मैं यूज़ करूँगी अभी चिल्ली का सब ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी बोलेगा तो अपने को ड्राई चिल्ली बनाना है, तो ये मैं तेल इधर रखती हूँ और चिल्ली बनाने के लिए पैन इधर रख देती हूँ। अभी पैन गर्म होने तलक आप लोग भी आराम करो, मैं भी थोड़ा रुकती हूँ। पैन गर्म हो गया, अभी हम इसमें से फ्राई किया है इसमें से हम तेल लेंगे। हाँ थोड़ा सा, हाँ अभी हम उसमें डालेंगे थोड़ा मिर्ची। मिर्ची देखिए लंबा लंबा कट करके लिया, ये अदरक देखिए अदरक भी बड़ा बड़ा लंबा लंबा कट करके ले लिया। हाँ फिर ये लहसुन को मैंने ऐसा कट करके ले लिया है, तो लहसुन। हाँ और एक चीज़ मैं बोलना भूल गई थी, वो है चिल्ली है शिमला मिर्च। हाँ चिल्ली बोलेगा तो वो चिल्ली भी आना चाहिए ना, तो ये मैं चिल्ली बोलना दिखाना ही भूल गई थी, मैं खुद ही भूल गई थी, तो अभी मैं ये याद आया आपको भी दिखाती हूँ और ये मैं इसके अंदर डाल भी देती हूँ। तो ये ज़्यादा फ्राई नहीं करने का, थोड़ा कच्चा कच्चा ही रखने का, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा। और ये चिल्ली का मसाला है, तो ऐसा इसको एक थोड़ा पानी में ऐसा वाटी में घोल बना के लेने का और इसमें डाल देने का। अपने को अगर ड्राई चाहिए तो ज़्यादा नहीं डालने का, थोड़ा डालने का, और ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा पानी और डाल देने का, और नमक उसमें रहता ही है ऑलरेडी, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। अभी ये देखिए तो मस्त मसाला, देखिए आपको अलग अलग मसाला बनाने का ज़रूरत नहीं, मार्केट में पैकेट मिलता है उसको लाने का और बना लेने का, ताकि आपको जजमेंट बराबर हो जाएगा, नहीं तो ये कितना डालने का वो कितना डालने का वो सब झंझट नहीं है इसमें, और आजकल मार्केट में सब अवेलेबल है, बस अपने को घर में बनाना है पटेल के जैसा, बस वो अपने को देखना है। अभी इसके अंदर मैं डालूँगी फिश। ये हमने फ्राई की हुई फिश है, ये इसमें मैं डाल दूँगी। डाल दिया और ये देखिए कितना मस्त लग रहा है ना फिश चिल्ली, देखिए। और इसके अंदर मैं डालूँगी ये थोड़ा सा ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन। हाँ ये अपना रेडी हो गया चिल्ली फिश, या फिश चिल्ली जो भी बोलते हो आप, देखिए घर में ही बना के खा सकते हैं। ये फिश चिल्ली का डिश आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत इजी है, ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।